चिंटू नाम का एक सियार बहुत धूर्त था। उसकी धूर्तता से हर कोई परिचित था। कोई भी पशु उससे संबंध नहीं रखना चाहता था, परंतु जरूरत पड़ने पर कोई न कोई उसके पास आ ही जाता था। एक बार की बात है, सुशीला नामक गिलहरी ने अपने खेत में धान की फसल लगाई। उस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई। वह सोचने लगी, यदि खेत को पानी न मिला तो फसल सूख जाएगी, तब पानी का प्रबंध कैसे किया जाएगा? कहाँ से मुझे पानी मिलेगा? फसल के लिए तो पानी की आवश्यकता होती ही है, मुझे पानी कौन देगा? हे भगवान, कौन देगा मुझे पानी? ऐसे में सुशीला गिलहरी को चिंटू सियार की याद आई। मन मार कर सुशीला चिंटू सियार के खेत की ओर चल दी। वहाँ पहुँचकर उसने चिंटू को अपनी पीड़ा बताई। सियार भैया, मेरी फसल सूख रही है, मुझे पानी की जरूरत है। मेरी फसल सारी सूख जा रही है, कुछ महीनों के लिए मुझे अपना तालाब दे दो, जिससे मैं अपने धान की खेती को सूखने से बचा सकूं। कुछ देर सोच विचार कर चिंटू सियार सुशीला गिलहरी से बोला, बहन, यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं महीने भर के लिए तालाब अपना तुम्हें दे देता हूँ। सुशीला गिलहरी तैयार हो गई। उसने चिंटू सियार को 100 रुपए दे दिए। अगले दिन सुशीला तालाब से पानी लेने के लिए गई, परंतु सियार ने उसे तुरंत रोक दिया। बोला, तुम इस तालाब में पानी नहीं ले सकती हो, मैं तुम्हें इस तालाब से पानी नहीं ले जाने दूंगा। सुशीला ने कहा, पानी क्यों नहीं ले जा सकती मैं? मैंने तो कल ही तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, क्यों नहीं ले जा सकती? अब तो तुमने तालाब मुझे दे दिया है ना? नहीं बहना, मैंने तो तुम्हें सिर्फ तालाब दिया है। तुमने तालाब के पैसे दिए हैं, पानी के नहीं। इस तालाब का पानी अभी भी मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। तो सुशीला बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, हे भगवान, रुपए भी चले गए, खेत भी सूखते जा रहे हैं, ये पानी भी नहीं दे रहा है, कितना धूर्त है ये, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचती हुई वह रोती गिड़गिड़ाती वनराज सिंह के पास गई। वनराज ने सुशीला की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। फिर उसने चिंटू सियार को बुलवाया। वनराज ने चिंटू सियार से पूछा कि गिलहरी को तालाब तुमने कितने रुपए में बेचा? सियार ने कहा, 100 रुपए में महाराज। सिंह ने कहा, फिर तुमने इस गिलहरी को पानी लेने से क्यों मना कर दिया? सियार बड़ी धूर्तता से अकड़ कर बोला, मैंने तो केवल इसे तालाब बेचा है, पानी नहीं। सिंह पूछा, फिर तुमने उसके तालाब में बिना पूछे पानी क्यों रखा? अब सियार के पास कोई उत्तर ना था। शेर बोला, सियार, तू बड़ा ही दुष्ट है। अब से तू सारे जंगल में 1 वर्ष तक बिना वेतन के झाड़ू लगाया करेगा। तालाब का पानी सुशीला की लहरी ही लेगी। चिंटू सियार को अपनी धूर्तता का दंड भुगतना पड़ा। आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेके आए हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिसमें एक खरगोश और एक कछुआ भी था। खरगोश बहुत तेज और घमंडी था, कछुआ तो धीमा लेकिन बहुत धैर्यवान था। खरगोश को हमेशा अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर घमंड था और वह अन्य जानवरों का मजाक भी उड़ाया करता था, खासकर कछुए का। एक दिन उसने कछुए से कहा, तुम इतने धीमे हो कि अगर हम दौड़ भी लगाएं तो मैं तुमसे जल्दी जीत जाऊंगा। कितना धीमे चलते हो, कितना धीरे बोलते हो, बहुत धीमे हो। मैं तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज करता हूँ। कछुआ बहुत शांत स्वभाव का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दौड़ने की चुनौती स्वीकार करोगे? खरगोश हंसा और बोला, तुमसे दौड़ में हारने वाला कोई सवाल ही नहीं होता है। मैं तैयार हूँ, चलो कहाँ और कैसे दौड़ना है? दौड़ की तारीख और रास्ता तय किया गया। अगले दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की रफ्तार से दौड़ा और जल्दी ही कछुए से काफी आगे निकल गया। उसने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार अपनी राह पर चलता रहा।
उसने कभी हार नहीं मानी और बिना रुके आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद जब खरगोश की नींद खुली, खरगोश ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए ही दौड़ जीत चुका था। बहुत बड़ा सा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण तरह तरह के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े रहते थे। पास में ही एक बगुला भी रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आलस्य के मारे वह ज्यादातर भूखा ही रहता। किनारे खड़ा होकर वह यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देखा तो उसके निकट आया, उससे पूछने लगा, भाई क्या बात है, तुम भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से कहा, बेटे मैंने बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं पाप का कार्य नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ, तुम तो देख ही रहे हो ना। केकड़े ने बोला, भाई अगर तुम शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, बोला ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही होता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। मुझे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। अब क्या था, केकड़े ने जाकर सबको ये बात बताई कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख और सारस सब दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, बगुला भगत, अब हमें आप ही कोई रास्ता बताओ, अपनी अकल लगाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो ना। बगुले ने कुछ सोच कर बताया, हाँ भाई मुझे कुछ पता चला है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम लोग का भला ही करूँगा। मुझे पता चला है कि यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, वहाँ कभी भी सूखा नहीं पड़ता। यदि सारे जीव वहाँ चले जाएंगे तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले ने ये भी समस्या सुलझा दी, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सारे जीव गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाने लगे, बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय। अब तो बगुला भगत की पौ 12 हो गई। रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास उसे पटक कर मार डालता और खा लेता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगा देते और उन 2 जीवों को भी चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर भी बढ़ने लगा। भगत जी की सेहत भी बनने लगी। खा खा कर खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई। पंख भी चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर सारे दूसरे जीव कहते, देखो सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर पर दिख रहा है। बगुला मन ही मन खूब हंसता और सोचता, देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से अगर काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भाई तू इतने सारे जानवरों को यहाँ से पहुँचा दिए, अभी मेरी बारी नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर है, चल आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश हो गया, खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया।
जब वह चट्टान के निकट पहुंचा, तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनक गया। वह हकलाया, बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा? बगुला भगत हा हा करके खूब हंसा। बगुला बोला, हा 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 मूर्ख, मैं एक एक को रोज अपनी पीठ पर बिठा कर लाता हूँ और खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा, आज तू मेरी भूख मिटाएगा। केकड़ा सारी बात समझ गया, वह डर गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उस दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण न निकल गए। फिर केकड़ा बगुला भगत का कटा सर लेकर तालाब पर पहुंचा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे इस दुष्ट बगुला भगत सबको धोखा देता रहा। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।